अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां पर गुलाम नबी आजाद से युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल यहां पर मिलने आया है और उन्होंने किन मुद्दों पर वहां पर बात की है उसके बारे में जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के मुद्दों को उठाया और उन्होंने यूपीएससी आयु में राहत देने, जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियों में राहत देने, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन संविधान और इसके साथ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए राज्य के युवाओं को आरक्षण देने की मांग की। इस पर आजाद ने भरोसा दिलाया कि एससी समुदाय की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्होंने इच्छा जताई कि अगली बार एससी सम्मेलन करवाया जाए। वहीं आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद अपना कश्मीर दौरा पूरा करके कल जम्मू पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर और वहाँ के लोग जितने निराश हैं और हताश हैं उतने ही जम्मू के लोग भी हैं और उन्होंने कहा कि केवल सत्ता पक्ष के 100-200 लोगों को छोड़कर कोई भी अनुच्छेद 370 हटा जाने से खुश नहीं है। आजाद ने जम्मू में वार्ता प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रशासन का इतना आतंक दुनिया में कहीं नहीं देखा और प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज़ अब नहीं है और कश्मीर में हालात